सो दोस्तों, आज का वीडियो तो आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉच को ऑन करते हैं। यहाँ पर एक QR कोड है मोबाइल ऐप डाउनलोड करने का, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तुम्हारे भाई ने पहले ही डाउनलोड कर लिया है, तो अभी जल्दी इसको सेटअप कर लेते हैं। अपना नाम डाल देना है, मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेना है आपको, फिर हो जाना है आपको नेक्स्ट। डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, हाइट वेट एकदम सही डालना दोस्तों, तभी स्टेप काउंट एंड कैलोरी बर्न सही से कैलकुलेट कर पाएगा। और फिर आप टारगेट सेट कर देना, एक दिन में कितना स्टेप चलना है आपको। कंफर्म हो जाने के बाद ऐप को परमिशन दे देना, तभी नोटिफिकेशन रिसीव होगा, नहीं तो भाई नोटिफिकेशन रिसीव नहीं होगा। और होम में ऊपर कोने में आप एक वॉच का सिंबल देख रहे हो, यहाँ पर क्लिक कर लेना है, सर्च हो जाएगा, लोकेशन परमिशन दे देना है। ये देखिए मिल गया, अभी कनेक्ट हो जाएगा कुछ ही सेकेंड्स में। अभी ब्लूटूथ के साथ भी आपको कनेक्ट कर लेना है, थोड़ी देर के बाद नोटिफिकेशन आएगा, थोड़ी देर वेट करते हैं। अगर नोटिफिकेशन ना आए तो आपको ब्लूटूथ के साथ सर्च करके कनेक्ट कर लेना है। सबसे पहले चेक कर लेना है वॉच में कॉलिंग फीचर्स ऑन है नहीं, उसके बाद ब्लूटूथ में जाके मैनुअली अपने को सर्च करना है, क्योंकि भाई ऑटोमेटिक सर्च नहीं किया इस बार। यहाँ पे नीचे मिल गया पेयरिंग कर लेना है। तो बस दोस्तों, हो गया पेयरिंग, इतना ही था। वॉच पूरी तरह से रेडी हो चुका है, कॉलिंग फीचर्स ऑन हो चुका है, और मोबाइल ऐप का डिटेल इन्फो भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा। और अभी एक क्लोज लुक वॉच के UI की तरफ ऊपर के साइड स्लाइड करने पर आप एक चेन का सिंबल देख रहे हो, इसका ये मतलब है कि वॉच आपके फोन के साथ कनेक्ट है नहीं। साथ ही में बैटरी डेट और वीक का इन्फो भी अवेलेबल है, और यहीं पर ही वेदर इन्फो भी आपको अवेलेबल मिल रहा है, जो कि एकदम परफेक्टली काम करता है। और पहला ऑप्शन है कॉल, यहां से आप कॉलिंग फीचर्स को ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके बाद है 5 मिनट डिस्प्ले ऑन, इसके नीचे आता है अलार्म, तो आप इस वॉच में अलार्म सेट कर सकते हो। अलार्म सेट करने के लिए आपको मोबाइल ऐप का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, आप वॉच से ही अलार्म सेट कर सकते हो। और अलार्म में वॉच वाइब्रेट करता है, कोई रिंगटोन नहीं है। इसके नीचे है ब्राइटनेस कंट्रोल, फिर आता है QR कोड मोबाइल ऐप डाउनलोड करने का, फिर आता है सेटिंग्स डू नॉट डिस्टर्ब, इसे ऑन करने पर कॉल का नोटिफिकेशन रिसीव नहीं होगा, लेकिन कॉल खत्म होने के बाद मिस कॉल का नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको, और साथ ही में नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम रिसीव होता रहेगा, लेकिन वॉच वाइब्रेट नहीं करेगा, सिर्फ डिस्प्ले ऑन होगा। और सेटिंग्स में पहला ऑप्शन है ब्राइटनेस, फिर आता है पासवर्ड डू नॉट डिस्टर्ब, लैंग्वेज के अंदर आपको हिंदी मिल रहा है इस वॉच में, हिंदी लैंग्वेज से सब कुछ हिंदी में हो जाएगा, मेन्यू पूरा हिंदी में हो जाएगा। फिर आता है मेन्यू स्टाइल, तो यहाँ पर आपको टोटल 5 मेन्यू स्टाइल अवेलेबल मिल रहा है। पहला है लिस्ट, आप देख सकते हो कुछ ऐसा दिखता है, काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि भाई नाम लिखा है क्या फंक्शन है। इसके नीचे आता है सेलुलर, जो कि हनीकॉम मेन्यू जैसा दिखता है, ये भी काफी बढ़िया लग रहा है देखने में। तीसरा है रोलिंग भी काफी बढ़िया, ऐसा गोल गोल घूमता है देखने में, काफी ज्यादा बढ़िया लगता है देखने में। और जब ये गोल गोल घूमता है ना भाई, तो वाइब्रेट नहीं करता है। और अगला जो मेन्यू स्टाइल है ना, ये भी काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है, ऐसा फ्लावर जैसा खिलता है ना भाई, देखने में बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है, आप देख सकते हो। इसके नीचे है रोलर, जो कि ग्रिड है, सिर्फ आइकन्स है, और नाम नहीं लिखा क्या फंक्शन है। और ये लूप है, बोले तो भाई मेन्यू कंटिन्यू होता रहता है, पता नहीं चलता कि मेन्यू कब खत्म हो गया कब स्टार्ट हो गया। ये भी काफी बढ़िया, आप देख लो आपको कौन सा पसंद है। बैक आने के बाद फिर आता है सिस्टम के अंदर है पावर ऑफ, रीसेट, रीबूट, फिर आता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, तो यहाँ पर आपको एनालॉग भी मिल रहा है, डिजिटल भी मिल रहा है, आप देखो दोस्तों आपको कौन सा पसंद है। फिर आता है रिस्ट वेक, ये है राइज टू हैंड वेकअप हैंड गेस्चर, आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो, और यहीं से आप स्क्रीन ऑन टाइम भी एडजस्ट कर सकते हो, मिनिमम में 5 सेकंड्स, मैक्सिमम है 30 सेकंड्स। इसके नीचे आता है अबाउट, और होम में निकल के बाद अगर आप राइट साइड सेलेक्ट करोगे तो फिर आता है HR मॉनिटर एक्टिविटी, तो यहाँ पर आपको पूरे दिन भर का स्टेप काउंट, कैलोरी बर्न और डिस्टेंस ट्रैक का इन्फो अवेलेबल मिल रहा है। फिर आता है स्ट्रेस SPU2, और पर्सनलाइज में जाके आप स्लीप, म्यूजिक, वेदर, कॉल मेन्यू और ब्रीथ को ऐड कर सकते हो। साथ ही में आप अपने अकॉर्डिंग अलाइन कर सकते हो कि आपको कौन सा फंक्शन पहले चाहिए, उसके बाद कौन सा फंक्शन चाहिए, आप फंक्शन को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो, या फिर आप रिमूव भी कर सकते हो। और होम मेन्यू के बाद अगर आप लेफ्ट साइड स्लाइड करोगे तो यही सारी चीजें आपको फिर से रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और होम मेन्यू के बाद अगर आप नीचे के साइड स्लाइड करोगे तो पूरे दिन भर का मैसेज आपको यहाँ पर रिसीव हो रहा है, जो भी आपने ऑन कर रखा होगा। और भाई ये वॉच काफी लंबे मैसेज को सपोर्ट करता है, जिस वजह से आप वॉच से ही पूरा मैसेज रीड कर सकते हो, फोन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आप वॉच से रिप्लाई नहीं कर सकते, रिप्लाई के लिए आपको फोन का ही इस्तेमाल करना है, आप सिर्फ रीड कर सकते हो वॉच से। और होम मेन्यू के बाद इसके बटन को प्रेस करने पर थोड़ा और मेन्यू पॉपअप होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें से पहला है कॉल मेन्यू, स्पोर्ट्स के अंदर आपको ऊपर 20 स्पोर्ट्स अवेलेबल मिल रहा है, बाकी का स्पोर्ट्स का है पर्सनलाइज में जाके आप अपने फेवरेट स्पोर्ट्स को मेन 20 में ऐड कर सकते हो। फिर आता है रिकॉर्ड्स, एक्टिविटी, हार्ट रेट, स्ट्रेस, स्लीप, ब्लड प्रेशर, SPU2, ब्रीथ, नोटिफिकेशन, अलार्म, म्यूजिक, वेदर। और वॉच का वेदर इन्फो एकदम परफेक्टली काम करता है, साथ ही में अपकमिंग 4 डे का वेदर इन्फो भी अवेलेबल मिल रहा है। कैमरा, फाइंड फोन, स्टॉप वॉच, टाइमर, वर्ल्ड क्लॉक, AI वॉइस, कॉलिंग फीचर्स को ऑन करोगे तभी ये फंक्शन काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। और आप वॉच में जो कुछ भी बोलोगे एक्शन फोन में होगा। फिर आता है स्टॉक, कैलकुलेटर, कैलेंडर, गेम्स, तो आप देख सकते हो एक ही गेम्स इन्होंने ऐड कर रखा है, प्लेन वाला गेम है। फिर आता है
QR कोड सेटिंग्स वही है जो कि मैंने आपको पहले बताया। तो बस दोस्तों इतना ही था, सिंपल सा UI है। मोबाइल ऐप देखिए तो इसके होम में आपको पूरे दिन भर का हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। और थर्ड ऑप्शन के डिवाइस में आप देख सकते हो कि वॉच आपके फोन के साथ कनेक्ट है नहीं, और यहीं पर आके आप गोल सेट कर सकते हो कि आपको एक दिन में कितना स्टेप चलना है। बैक आने के बाद डिवाइस के ऊपर क्लिक करने पर ही आपको सारे कस्टमाइजेशन अवेलेबल मिल रहा है, आप देख सकते हो। और मोबाइल ऐप के वॉच चॉइसेस गैलरी के अंदर आप देख सकते हो इस वॉच में आपको 100+ क्लाउड वॉच चॉइसेस अवेलेबल मिल रहा है। और भाई लाइव वॉलपेपर भी सपोर्ट करता है, बोले तो भाई लाइव वॉलपेपर दे रखा है इन्होंने जो कि बहुत बढ़िया लगता है देखने में। और साथ ही में यहाँ पर आपको एनालॉग भी मिल रहा है, डिजिटल भी मिल रहा है, वॉच फेसेस का क्वालिटी काफी अच्छा है। और साथ ही में इन्होंने ग्रुप बना रखा है ताकि ढूंढने में आसानी हो कि किस टाइप का वॉच फेसेस आपको पसंद है। और कस्टम वॉच फेसेस देखा जाए तो इस वॉच के बैकग्राउंड में आप कोई भी वॉलपेपर सेट कर सकते हो जो भी आपका मन करे, लेकिन हाँ लाइव वॉलपेपर इस वॉच में सपोर्ट नहीं करता है। लाइव वॉच फेसेस दे रखा है लेकिन लाइव वॉलपेपर सपोर्ट नहीं करता। एनालॉग वॉच फेसेस का कस्टमाइजेशन भी मिल रहा है आपको, आप देख सकते हो काफी सारे इन्होंने नीडल्स बना रखा है, नीडल्स को आप ऐड कर सकते हो, साथ ही में आप बाउंड्री को भी ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आप स्टेप हार्ट रेट कैलोरी डिस्टेंस को ऐड कर सकते हो और आप पोजीशन को भी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। तो भाई कस्टमाइजेशन काफी अच्छा है, साथ ही में 3 डिजिटल फॉर्मेट भी मिल रहा है आपको। और नोटिफिकेशन देखा जाए तो इस वॉच में आपको सारे सोशल मीडिया अकाउंट का नोटिफिकेशन मिल रहा है, और सोशल मीडिया के अलावा अनदर सारे ऐप का नोटिफिकेशन आपको इस वॉच में रिसीव हो रहा है। अदर्स में जाके आप देख सकते हो नीचे स्लाइड करने पर सारे ऐप का नोटिफिकेशन है इस वॉच में। इनकमिंग कॉलिंग को आप यहां से ऑन ऑफ कर सकते हो। एंटी लॉस रिमाइंडर से क्या होता है, जैसे ही वॉच आपके फोन के साथ डिस्कनेक्ट होगा तो वॉच में वाइब्रेशन बजता है। एंड डू नॉट डिस्टर्ब एंड अलार्म को आप ऑन कर सकते हो। साथ ही में हेल्थ रिमाइंडर देखा जाए तो इस वॉच में आपको सिर्फ और सिर्फ सैनिटरी अलर्ट रिमाइंडर ही अवेलेबल मिल रहा है। ड्रिंकिंग वाटर रिमाइंडर फिलहाल इस वॉच में नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है, होना चाहिए था लेकिन क्या करें भाई। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल है, डेट फॉर्मेट है, वाइब्रेशन में भी आपको यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट मिल रहा है, बैकलाइट टाइम है, स्क्रीन ऑन टाइम वॉच में भी है और मोबाइल ऐप में भी है। राइज टू वेक को भी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो, ये वही है हैंड गेस्चर। मोबाइल ऐप के किसी भी फीचर्स को आप ऑन करो ऑफ करो फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन भाई HR मॉनिटर, इसको आपको गलती से भी ऑन नहीं रखना है क्योंकि भाई ये बैटरी बहुत ज्यादा चूसता है, इसे आपको हमेशा ऑफ ही रखना है। और मोबाइल ऐप के फोन बुक में जाके आप इस वॉच में मैक्सिमम 20 कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हो, इससे ऊपर का जगह नहीं है। सो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में।